दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी सारी 3D एनिमेशन मूवीज़ में 3D एनिमेशन वीडियोस में देखा होगा कि टीवी होती है और वो टीवी के अंदर वीडियो प्ले होते रहता है, जैसे कि दोस्तों इस समय आपको मेरी वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे टीवी आप ब्लेंडर में क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर वीडियो को कैसे प्ले कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो का हर एक सेकंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा भी स्किप मत करना। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए ट्यूटोरियल का हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, आज डिलीट नहीं करना है। आज हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मान सम्मान देंगे और इसके अंदर ही हम वर्क करेंगे और मॉडल को इसी में क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, वन प्रेस करना है और फ्रंट ऑर्थोमेटिक पर आ जाना है, इसको थोड़ा स्केल कर देना है, ओके। फिर स्केल करना है एक्स एक्सिस पर, डन। फिर थोड़ा सा स्केल करना है जेड एक्सिस पर, ओके। अभी दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत ही ज़्यादा मोटा है, तो हम क्या करेंगे, एस प्रेस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे, इसको इतना कर देंगे, डन। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना है मॉडिफायर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, एड मॉडिफायर में जाना है और विवेल को चूज़ कर लेना है। जैसे ही आप विवेल को चूज़ करोगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार सा हो जाएगा। अभी आपको यहाँ आ जाना है सेगमेंट पर और इसको कर देना है 10, ओके। जैसे आप सेगमेंट 10 करोगे यहाँ पर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग हो जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव लग रही है। अभी क्या करना है, आपको इसको अप्लाई कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको टेप प्रेस करके आ जाना है एडिट मोड में और यहाँ से फेस सिलेक्शन को चूज़ कर लेना है और ये वाले फेस को सिलेक्ट करना है और एक नया फेस इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, आई प्रेस करेंगे और एक नया फेस इंसर्ट कर देंगे। अभी हमको क्या करना है, इसको ग्रेप करके थोड़ा अंदर की ओर ले जाना है, तो जी प्रेस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे, इसको थोड़ा अंदर की ओर ग्रेप कर देंगे, ओके। अभी दोस्तों हमको यहाँ आ जाना है पीछे, इसको सिलेक्ट करना है, ग्रेप करना है वाई एक्सिस पर और इसको बाहर की ओर लाना है। फिर क्या करना है, एस प्रेस करना है, जेड प्रेस करना है, इसको स्केल करना है जेड एक्सिस पर, फिर एस प्रेस करना है, एक्स प्रेस करना है और इसको ऐसे कर देना है, ओके। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमने एक सिंपल सा 3D मॉडल क्रिएट कर लिया है टीवी का, ठीक है। अभी हम वन प्रेस करके फ्रंट ऑर्थोमेटिक पर आ जाएंगे और टेप प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, ठीक है। अभी दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पर बनाना है स्टैंड, ओके। तो हमें क्या करना है, एड में जाना है, मेस में जाना है और एक क्यूब को सिलेक्ट कर लेना है, ग्रेप करना है नीचे की ओर जेड एक्सिस पर, स्केल डाउन करना है, फिर स्केल करना है एक्स एक्सिस पर, ओके। अभी दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको चपटा करेंगे, मतलब पतला कर देंगे, ओके। और जेड एक्सिस पर भी ऐसा कर देंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लाकर सेट कर देंगे, लेकिन दोस्तों हमें इसको ऐसे नहीं बनाना है, हमें क्या करना है, इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, टेप प्रेस करके पहले तो एडिट मोड में आ जाएंगे, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक लूप कट एड कर देंगे एकदम सेंटर में, ठीक है। अभी क्या करना है, आपको यहाँ से वायर फ्रेम मोड को चूज़ कर लेना है और एक्स मिरर को चूज़ करना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। पर हमने एक्स मिरर को इसलिए चूज़ किया है कि मैं यहाँ पर जो भी वर्क करूँगा इस साइड भी होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको ग्रेप करके नीचे ला देंगे, ओके। टेप प्रेस करके वापस से आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ से इसको चूज़ कर लेंगे, ठीक है, ओके। अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर एक और मॉडल क्रिएट करना है, तो क्या करेंगे, एड में जाएंगे, मेस में जाएंगे, क्यूब को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसको लाएंगे नीचे, यहाँ पर सेट करेंगे, स्केल करेंगे एक्स एक्सिस पर, ओके। अभी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर मटेरियल को ऐड करना है, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये अंदर इसके अंदर घुसा हुआ लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा ग्रेप करके नीचे ला देंगे, ओके, इतना, ठीक है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मटेरियल और उसके बाद दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप इसके अंदर वीडियो को प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, फिर दोस्तों आपको जाना है मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और न्यू के ऊपर क्लिक करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, वापस से न्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से इसको रेड कर देना है, ओके। उसके बाद क्या करना है, आपको टेप प्रेस करके आ जाना है एडिट मोड में और यहाँ से फेस सिलेक्शन को चूज़ कर लेना है, शिफ्ट दबाना है, ये वाले फेस को सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट दबाना है, ये वाले फेस को सिलेक्ट करना है। दोस्तों अगर आप मल्टी सिलेक्शन कर रहे हो तो आपको शिफ्ट दबाकर रखना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको सिलेक्ट करोगे फिर इसको करोगे तो ये वाला डी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। हम चारों बाजू के फेस को, नीचे वाले फेस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है और इसको असाइन कर देना है, इससे क्या होगा, यहाँ पर ये वाला मटेरियल ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें यहाँ पर ब्लू मटेरियल ऐड करना है, ठीक है, एकदम ब्लू, इससे क्या होगा, काफ़ी अच्छा लुक हमें मिलेगा, ठीक है। तो प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और न्यू क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लू को चूज़ कर लेंगे, फिर दोस्तों हम इन सभी फेस को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
आपको शिफ्ट को दबाकर रखना है। ओके डन, यहाँ से ब्लू को असाइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्लैक मटेरियल ऐड करना है, तो प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक करना है और ब्लैक मटेरियल क्रिएट करना है। नीचे आ जाना, यहाँ पर कर देना है मेटेलिक। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके रखेंगे और असाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ दोस्तों ब्लैक मटेरियल ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम दोस्तों ये वाले मटेरियल को चूज़ करेंगे और आपको जो भी कलर अच्छा लगे आपको वो वाला कलर दे देना है। ओके, मैं यहाँ पर इसको ये वाला कलर देता हूँ, ओके, और थोड़ा डार्क कर देता हूँ, डन। अभी दोस्तों आप देख पा रहे हो हमारी जो टीवी है काफ़ी अच्छी लग रही है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी मटेरियल ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको थोड़ा डार्क कर देना है और ये वाला कलर चूज़ कर देना है, ठीक है। सेम थिंग यहाँ भी करेंगे, कोई सा भी मटेरियल ऐड कर लेंगे, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। ओके, और उसको असाइन कर देना है। अभी दोस्तों हमें ऐसा सेट करना है कि इसके अंदर वीडियो प्ले होता रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले यहाँ एडिट में आ जाना है, प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सर्च करना है इमेज। ओके, यहाँ पर जैसे दोस्तों आप इमेज लिखोगे आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ इम्पोर्ट इमेजेस एज प्लेन, आपके यहाँ पर अनचेक होगा, जिसको क्या करना है चेक कर देना है, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ से सेव प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको कट कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एड में जाना है, ठीक है, यहाँ पर आ जाना है इमेज के ऊपर, इमेज एस प्लेन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको जिस भी वीडियो को इस टीवी के अंदर प्ले करना है वो वाली वीडियो को आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको इम्पोर्ट इमेजेस एस प्लेन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्लेन ऐड हो जाएगा, वो वीडियो ऐड हो जाएगी। अभी दोस्तों आपकी जो वीडियो है ना कुछ इस प्रकार से है, मतलब आपका जो प्लेन है कुछ इस प्रकार से है, तो आपको क्या करना है, इसको परफेक्ट करना है, तो आपको आर प्रेस करना है, एक्स प्रेस करना है और 90 डिग्री पर रोटेट कर देना है, ठीक है, और इसको स्केल करना है। ओके, ऐसे कर देना है। अभी यहाँ पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये भी इसके अंदर है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर लाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये सेट हो गया और दोस्तों हमने जो वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट की थी वो आ गई है। अगर आप इसको अभी प्ले करोगे तो यहाँ पर वो वीडियो प्ले होने लग जाएगी, आप वीडियो में जैसे देख पा रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से बहुत ही इजी तरीके से टीवी के मॉडल को क्रिएट कर सकते हो और उस टीवी के अंदर वीडियो को प्ले कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी और आप भी मेरी वीडियो को फॉलो करके टीवी को क्रिएट कर पाओगे और वीडियो को प्ले कर पाओगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।